हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी सर्किट से पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ गेट क्वेश्चन ऑन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी सर्किट। केस वन में जब हमारे पास ZL वेरिएबल होगी, मींस RL भी वेरिएबल है और XL भी वेरिएबल है, तो उस केस में हमारे पास जो सर्किट में नेट इम्पीडेंस होगी वो रेजिस्टिव इन नेचर होगी। ओके, तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन वो होंगे जब वो पूछेगा फाइंड वैल्यू ऑफ ZL फॉर विच मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू ZL। और अभी हमने केस वन में स्टडी करा कि मैक्सिमम पावर डेवलप्ड होगी लोड इम्पीडेंस ZL के अक्रॉस व्हेन ZL इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ZS और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ZTH। ओके, सिमिलरली सेकेंड टाइप में वो आपसे पूछेगा कि ZL के अक्रॉस मैक्सिमम पावर जो डेवलप होगी उसकी वैल्यू क्या होगी और हमें Pmax की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इस केस में Pmax हो जाएगी VTH का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RTH। ओके, तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस तो वो है जब ZL वेरिएबल है, उस केस में या तो वो आपसे ZL की वैल्यू पूछेगा या फिर आपसे Pmax की वैल्यू कैलकुलेट कराएगा। कुछ क्वेश्चंस में दोनों ही वो आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। केस वन में हमने ऑलरेडी इसको प्रूफ कर लिया है। ओके, अब देखिए सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन वो है जिसमें लोड जो है वो रेजिस्टिव इन नेचर है, ZL इज इक्वल टू RL। इस केस में हमारी जो नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट होगी वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होगी, जिसके कारण जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी नहीं होगा। तो इस केस में फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ZL फॉर विच मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू लोड ZL। और केस टू में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है मैक्सिमम पावर इज डेवलप्ड अक्रॉस ZL व्हेन ZL इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ZS और मैग्नीट्यूड ऑफ ZTH। इस कंडीशन का यूज करते हुए हम ZL की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सेकेंड टाइप में वो आपसे Pmax को कैलकुलेट करवाएगा। ओके, तो यहाँ पे यूजिंग आवर स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एनालिसिस हम Pmax की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो गेट में ओनली टू टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, टाइप वन व्हेन ZL इज वेरिएबल और टाइप टू व्हेन ZL इज रेजिस्टिव इन नेचर। ओके, इन फार्मूलों का यूज करते हुए हम आसानी से गेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इन द गिवन सर्किट द मैक्सिमम पावर इन वॉट दैट कैन बी ट्रांसफर टू लोड RL इज। इस क्वेश्चन को ECE में 2015 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी सर्किट को डिस्कस किया था। इसमें हमने केस टू में जाना था कि जब लोड रेजिस्टिव होता है तब उसके अक्रॉस मैक्सिमम पावर डेवलप्ड होती है जब RL की वैल्यू इक्वल होती है मोड ऑफ ZTH और इक्वल होती है मोड ऑफ ZS। ओके, सो फॉर मैक्सिमम पावर RL मस्ट बी इक्वल टू मोड ऑफ ZTH। तो चलिए अब RL के अक्रॉस हम थेवनिन इम्पीडेंस फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें किसी टर्मिनल के अक्रॉस और लोड के अक्रॉस थेवनिन इम्पीडेंस फाइंड आउट करनी होती है तो हम सबसे पहले लोड RL को रिमूव कर देंगे, फिर सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको डिस्कनेक्ट करेंगे, मींस वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे। पर ध्यान रखेंगे कि जितने भी डिपेंडेंट सोर्स हैं उनको रिमूव नहीं करेंगे, उनको हम टच नहीं करेंगे। इस सर्किट में हमारे पास ओनली वन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है 4 at an angle of 0 degree, तो इसको अब हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे और सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। ओके, तो जब हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ZTH हो जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ J2 ohm पैरेलल टू 2 ohm। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ZTH इज इक्वल टू 2J/J+1। तो चलिए ZTH का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें ZTH का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा √2। और अकॉर्डिंग टू केस टू ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी सर्किट हम बोल सकते हैं RL के अक्रॉस मैक्सिमम पावर तब डेवलप होगी जब RL
is equal to mod of ZTH, means RL must be equal to under root of 2. Okay, तो चलिए अब हम VTH find out करते हैं load के across. तो जब हमें load के across VTH find out करनी है, तो सबसे पहले हम load को remove करेंगे और फिर basic concept of circuit analysis को use करते हुए VTH find out करेंगे load के across. Okay, तो चलिए circuit को redraw करते हैं load को रिमूव करते हुए. अब देखिए यहाँ पे VTH होगी वोल्टेज अक्रॉस J2 ओम ऑफ इंडक्टर. ओके, हमारे पास सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड 2 ओम की और J2 ओम की. तो VTH क्या हो जाएगी, VTH हो जाएगी J2 ओम मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 2 प्लस J2. ओके, सिंपल वोल्टेज डिवीजन इन सीरीज. और जब हम इस VTH को सॉल्व करेंगे और पोलर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो हमें VTH मिल जाएगी 2 रूट 2 एट एन एंगल ऑफ 45. ओके, यहाँ पे VTH की RMS वैल्यू है 2 रूट 2 और उसका एंगल है 45 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे कुछ नोट्स डाल लेते हैं. जब हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होते हैं जिनको हम पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंटेशन देते हैं r थीटा के फॉर्म में, तो जब 2 कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तब उस केस में RMS वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है और एंगल एडिशन हो जाती है. मींस R1 एट एन एंगल ऑफ थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय R2 एट एन एंगल ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू R1 R2 एट एन एंगल ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2. सिमिलरली जब हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है R1 डिवाइड बाय R2 एट एन एंगल ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2. मींस व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर डिवाइडेड इन देयर पोलर फॉर्म then their RMS value get divided and angle are subtracted. Means R1 at an angle of theta 1 divided by R2 at an angle of theta 2 becomes equal to R1 divided by R2 at an angle of theta 1 minus theta 2. इस फार्मूले को हम याद रखेंगे. ओके, तो चलिए इसी फार्मूले को यूज करते हुए अब हम सर्किट को सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास जो गिवन सर्किट था उसमें हमने सबसे पहले मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाई और हमने फाइंड आउट किया कि RL की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2. फिर हमने थेवेनिन वैल्यू फाइंड आउट करी लोड RL के अक्रॉस. तो इस गिवन सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट से, जिसके आउटपुट नोड पर एक लोड कनेक्ट किया गया RL जिसकी वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2 ओम. ओके, तो अब देखिए हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस RL क्या हो जाएगी. और ये सिंपल सा एसी वोल्टेज सोर्स का डिवीजन है सीरीज में दो इंपीडेंस के अक्रॉस. तो VRL हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिवाइड बाय नेट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट रूट 2 एट एन एंगल ऑफ 45 प्लस रूट 2 एट एन एंगल ऑफ 0. तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें VRL की वैल्यू मिल जाएगी 1.53 एट एन एंगल ऑफ 22.5 डिग्री. ओके, तो बताइए लोड RL के अक्रॉस अब पावर कितनी हो जाएगी. पावर होती है V स्क्वायर डिवाइड बाय R. तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या है, 1.53. तो पावर हो जाएगी 1.53 का स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 2 इज इक्वल टू 1.65 वाट. और यही हमारा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2. अ नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स VS has an internal impedance of ZS. If a purely resistive load is to be chosen that maximize the power transfer to the loads, its value must be. और हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, 0, real part of ZS, magnitude of ZS, complex conjugate of ZS. इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2014 में 1 मार्क के लिए पूछा गया था. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जाना था कि मैक्सिमम पावर रेजिस्टिव लोड के अक्रॉस तब डेवलप्ड होती है जब रेजिस्टिव लोड की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स इम्पिडेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स. ये केस 2 है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का. ओके, तो RL कितनी हो जाएगी, RL इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ZS और मैग्नीट्यूड ऑफ ZTH. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ZS, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3. ओके, वेरी इजी क्वेश्चन. डायरेक्टली मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर AC सर्किट के सेकंड केस को पूछ लिया गया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. A source Vs is equal to V cos 100 pi t has an internal impedance of 4 plus
J3 ohm. If a purely resistive load connected to this source has to extract the maximum power out of the source, its value in ohm should be. इस क्वेश्चन को ECE में 2013 में 1 मार्क के लिए पूछा गया था और हमें ऑप्शन दिए गए थे 3, 4, 5 एंड 7. ओके, हमने अपने केस 2 ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी सर्किट में स्टडी किया था कि रेजिस्टिव लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर तब डेवलप होती है जब रेजिस्टिव लोड की वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ZS. ओके, तो RL कितनी हो जाएगी? RL शुड बी इक्वल टू मोड ऑफ ZTH. और यहाँ पे ZTH और ZS कितनी दे रखी है? 4 प्लस 3J ओम. तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो हमें RL मिल जाएगी 5 ओम. हैंस ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है. ओके, तो गेट में डायरेक्टली केस 2 ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की स्टेटमेंट पर ही क्वेश्चन को पूछ लिया गया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. इन द गिवन सर्किट द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसफर टू लोड ZL इज. इस क्वेश्चन को इंस्ट्रूमेंटेशन में 2008 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. केस 1 में हमने डिस्कस करा था लोड ZL के अक्रॉस मैक्सिमम पावर तब डेवलप होती है जब ZL इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ZS. ओके, तो चलिए यहाँ पर अब हम ZS कैलकुलेट कर लेते हैं और कन्वर्ट करते हैं जो हमारी इंडक्टेंस दे रखी है 10 मिली हेनरी की उसको रिएक्टेंस में. ओके, तो 10 मिली हेनरी की इंडक्टेंस रिएक्टेंस कितनी हो जाएगी? L ओमेगा. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें XL मिल जाएगी 10 ओम की. ओके, तो ZS कितनी हो जाएगी? ZS हो जाएगी 10 प्लस J10. ओके, तो अकॉर्डिंग टू केस 1 ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर मैक्सिमम पावर ZL मस्ट बी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ZS. तो जब हम ZS का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो हमें ZL मिल जाएगी 10 माइनस 10 J. ओके, तो चलिए अब करंट को पोलर कोऑर्डिनेट में लिख लेते हैं. यहाँ पर 10√2 sin 100t को मैं लिख सकता हूँ 10√2/√2 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि हमें हमेशा पोलर कोऑर्डिनेट में RMS वैल्यू को लिखना होता है. और इन द केस ऑफ साइनोसोडियल फंक्शन RMS वैल्यू कितनी होती है? Vm/√2, और यहाँ पे Vm है 10√2, तो हमारा IT इन पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री. ओके, तो चलिए अब हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं. ओके, IL इज इक्वल टू लोड करंट इन ZL. तो बताइए IL क्या होगा? ये सिंपल करंट डिस्ट्रीब्यूशन है इन पैरेलल इंपेडेंस, और पैरेलल में हमें पता है करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है इनवर्स रेशियो ऑफ इंपेडेंस. मींस जो ZL में करंट फ्लो करेगा वो ZS पे डिपेंड करेगा, और जो ZS पे करंट फ्लो करेगा वो ZL में डिपेंड करेगा. तो हमारा IL हो जाएगा 10 प्लस J10 मल्टीप्लाई बाय IT डिवाइड बाय 10 प्लस J10 प्लस 10 माइनस 10 J. ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें IL मिल जाएगा 5√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. ओके, तो ये हमारा IL हो गया. और हमें पता है एक्टिव पावर कितनी हो जाएगी? IL का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R, और R यहाँ पे क्या है? 10 ओम. तो मैं लिख सकता हूँ Pmax इज इक्वल टू IL का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RL होल इज इक्वल टू 5√2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें Pmax मिल जाएगी 500 वाट, और यही हमारा आंसर है. आंसर इज इक्वल टू PL इज इक्वल टू Pmax इज इक्वल टू 500 वाट. वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम एक सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पे हमें एक सोर्स दे रखा है करंट सोर्स जिसकी RMS वैल्यू है 10 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री. उसकी जो इंटरनल इम्पिडेंस है वो है 10 प्लस J10. तो हमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लेक्चर से पता है हम करंट सोर्स को प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो चलिए VTH क्या हो जाएगा? VTH हो जाएगा IS मल्टीप्लाई बाय ZTH. तो जब हम IS की और ZTH की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और VTH को पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें VTH मिल जाएगी 100√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. तो चलिए गिवन सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट में और इसके अक्रॉस लोड कनेक्ट करते हैं ZL इज इक्वल टू 10 माइनस 10 J का. तो आप बताइए अकॉर्डिंग टू केस 1 ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमें पता है Pmax कितनी हो जाएगी? VTH का स्क्वायर डिवाइड बाय 4
RTH, यहाँ पे VTH क्या है 100 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 और RTH क्या है 10। तो जब इन वैल्यू को Pmax की इक्वेशन में मैं सब्सटीट्यूट करूँगा तो मुझे Pmax मिल जाएगी 500 वॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद एन इंपीडेंस ZS इज इक्वल टू RS प्लस JXS डिलीवर्स अ मैक्सिमम एवरेज पावर टू द लोड इंपीडेंस ZL व्हेन। ऑप्शन थे ZL इज इक्वल टू RS प्लस JXS, ZL इज इक्वल टू R, ZL इज इक्वल टू JXS, ZL इज इक्वल टू RS माइनस JXS। इस क्वेश्चन को ईसी में 2007 में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। ZL के अक्रॉस मैक्सिमम पावर तब डेवलप होती है जब लोड इंपीडेंस शुड बी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ सोर्स इंपीडेंस। ओके, तो ZL इज इक्वल टू ZS कंजुगेट में जब हम ZS की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे और RS प्लस JXS का कंजुगेट लेंगे तो हमें मिल जाएगी ZL की वैल्यू इज इक्वल टू RS माइनस JXS। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। A source of angular frequency of 1 radian per second has a source impedance of 1 ohm resistance in series with 1 henry inductance. The load that will obtain the maximum power transfer is. इस क्वेश्चन को ECE में 2003 में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। ओके, तो सबसे पहले सोर्स इंपीडेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। सोर्स इंपीडेंस इज ए कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। तो सबसे पहले रिएक्टेंस फाइंड आउट करते हैं इंडक्टेंस की। तो हमें पता है इंडक्टेंस की जो सोर्स रिएक्टेंस होती है वो दी जाती है एल ओमेगा के। तो एक्स एल और एक्सएस इज इक्वल टू एल ओमेगा। एल कितनी दे रखी है 1 हेनरी और ओमेगा कितनी है 1 रेडियन पर सेकेंड। तो हमारी रिएक्टेंस हो जाएगी 1 × 1 इज इक्वल टू 1 ओम। आरएस कितनी दे रखी है 1 ओम। तो नेट इंपीडेंस ऑफ सोर्स कितनी हो जाएगी ZS इज इक्वल टू RS प्लस JXS। और जब हम RS की वैल्यू 1 ओम और XS की वैल्यू 1 ओम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें ZS मिल जाएगी 1 + j1 ओम। ओके, और हमें केस 1 से अपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर एसी सर्किट से पता है कि ZL के अक्रॉस मैक्सिमम पावर तब डेवलप होगी जब ZL इज इक्वल टू ZS कंजुगेट और इक्वल टू ZTH कंजुगेट। तो जब हम ZS की वैल्यू 1 + j1 का कंजुगेट लेंगे तो हमें ZL मिल जाएगी 1 + -j। अब देखिए रियल पार्ट, देखिए रियल पार्ट क्या है, एक 1 ओम की रेजिस्टेंस है। और माइनस जे क्या होगी, माइनस जे एक 1 फैरेड का कैपेसिटर होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 ओम की रेजिस्टेंस इन सीरीज विद 1 फैरेड का कैपेसिटर। तो रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटेंस इज माइनस जे। तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरी लोड इंपीडेंस होगी वो 1 ओम की रेजिस्टेंस होगी इन सीरीज विद 1 फैरेड कैपेसिटर। ओके, और यही हमारा राइट आंसर था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अंडर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन द पावर एब्सॉर्ब्ड बाय द लोड RL इज इन वॉट। इस क्वेश्चन को ईई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर में 2003 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ओके, हमें पता है ये केस 2 है ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जिसमें लोड RL और रेजिस्टिव लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर तब डेवलप होती है जब RL इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ZTH। ओके, तो अब हमें RL के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम VTH फाइंड आउट करेंगे और फिर ZTH फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए सर्किट में VTH को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जब हमें VTH फाइंड आउट करनी होती है तो हमें लोड RL को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए रीड्रॉ करते हैं सर्किट को बाय रिमूविंग RL। ओके, अब हम नोड ए पर नोडल एनालिसिस करते हैं और एज्यूम करते हैं जो हमारा नोड बी है वो रेफरेंस नोड है और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट है। और नोड ए पर मान लेते हैं नोड वोल्टेज एट ए इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू वी टी एच। ओके, अब हम नोड ए पर नोडल एनालिसिस इक्वेशन को लिखेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड के सर्किट में देखिए, यहाँ पर 6 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट की गई है 8 ओम की रिंडक्टेंस के अक्रॉस। तो नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, VTH माइनस 110 एट एन एंगल ऑफ 0 डिवाइड बाय नेट इंपीडेंस। नेट इंपीडेंस क्या है, 6 + 8j। ओके, सिमिलरली राइट साइड में नेट आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, VTH
minus 90 at an angle of 0 degree divide by 6 plus 8j. Okay. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें VTH मिल जाएगी 100 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री. ओके, चलिए अब RTH फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप में हम लोड को डिस्कनेक्ट कर देंगे सर्किट में, फिर जितने भी सर्किट में इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होंगे उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे और जितने भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होंगे उनको ओपन सर्किट कर देंगे. तो चलिए सर्किट को रीड्रॉ करते हैं. तो जब हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो 110 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स और 90 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. अब देखिए ZTH क्या होगी. ZAB ये सिंपल दो इम्पीडेंस है पैरेलल में जिनकी वैल्यू है 6 प्लस 8 ओम. तो मैं लिख सकता हूँ हमारी ZAB इज इक्वल टू ZTH हो जाएगी 6 प्लस 8J पैरेलल टू 6 प्लस 8J और हमें ZTH मिल जाएगी 3 प्लस 4J. और अकॉर्डिंग टू केस 2 ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमें पता है फॉर मैक्सिमम पावर RL मस्ट बी इक्वल टू मोड ऑफ ZAB और मोड ऑफ ZTH. तो जब हम ZTH का मोड कैलकुलेट करेंगे तो हमें RL की वैल्यू मिल जाएगी 5 ओम. ओके, तो चलिए अब हम Pmax फाइंड आउट करते हैं अक्रॉस RL. तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था अक्रॉस RL हमने उसको थेवनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिया है जिसमें VTH थी 100 वोल्ट एट एन एंगल ऑफ 0 और ZTH थी 3 प्लस 4J. और अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर रेजिस्टिव लोड हमारे पास RL थी 5 ओम. तो चलिए अब हम 5 ओम के अक्रॉस Pmax को कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि Pmax इज इक्वल टू VTH का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RTH. ये फार्मूला यहाँ पर यूज नहीं होगा. ये केस 1 का फार्मूला है, केस 2 में ये इनवैलिड है क्योंकि इस केस में जो नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट है 3 प्लस 4J प्लस 5 वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर है जिसके कारण हमारे पास कुछ पावर फैक्टर है. ओके, अब हम 5 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस को मान लेते हैं वी 5 ओम है. ओके, वी 5 ओम क्या होगी. ये सिंपल सा वोल्टेज डिवीजन है इन सीरीज में. तो वी 5 ओम हो जाएगी 5 डिवाइड बाय 5 प्लस 3 प्लस 4J मल्टीप्लाई बाय 100 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री. ओके, और जब हम वी 5 ओम को पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे तो हमें वी 5 ओम मिल जाएगी 500 डिवाइड बाय 4 अंडर रूट ऑफ 5 एट एन एंगल ऑफ -26.56 डिग्री. Pmax कितनी हो जाएगी. Pmax इज द पावर डेवलप्ड अक्रॉस RL इज इक्वल टू 5 ओम और हमें पता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर कितनी होती है वी स्क्वायर डिवाइड बाय 4R. ओके, तो यहाँ पे वोल्टेज की RMS वैल्यू क्या है 500 डिवाइड बाय 4 इंटू रूट 5. तो पावर अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगी वी 5 ओम का स्क्वायर डिवाइड बाय R. और जब हम वी 5 ओम की RMS वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे तो हमें पावर मिल जाएगी 625 वॉट. ओके, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम RL शुड बी इक्वल टू 5 ओम एंड Pmax शुड बी इक्वल टू 625 वॉट और यही हमारा आंसर है. ओके, तो चलिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर AC सर्किट से रिलेटेड. ओके, सो व्हेन लोड इज कॉम्प्लेक्स एंड वेरिएबल मींस RL भी वेरिएबल है और XL भी वेरिएबल है उस केस में मैक्सिमम पावर डेवलप्ड होगी ZL के अक्रॉस व्हेन ZL इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ZS और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ZTH where ZS is known as the source impedance and ZTH is known as the Thevenin impedance across load. Okay, इस केस में Pmax हो जाएगी VTH का square divided by 4RTH. Okay, ये हमने केस 1 में स्टडी किया था. इस केस में जो नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट हो जाएगी वो रेजिस्टिव इन नेचर होगी जिसके कारण जो पावर फैक्टर होगा लोड RL के अक्रॉस वो यूनिटी होगा. ओके, केस 2 व्हेन लोड इज रेजिस्टिव इन नेचर इस केस में मैक्सिमम पावर डेवलप्ड होगी ZL के अक्रॉस व्हेन ZL इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ZS और मैग्नीट्यूड ऑफ ZTH. ओके, और इस केस में जो Pmax होगी वो होगी VTH का स्क्वायर डिवाइड बाय 4RTH. ओके, नो, इस केस में ये फार्मूला इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि इस केस में जो नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट होगी वो कॉम्प्लेक्स इन नेचर होगी जिसके कारण हमारे पास जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी नहीं होगा. इस कारण से हम
Pmax का फार्मूला जो हमने केस 1 में डेवलप किया था उसको यूज नहीं कर सकते। तो इस केस में हम Pmax को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एनालिसिस। ओके, तो यही मेन फार्मूले हैं जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉर AC सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। ओके।